नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त नेहा शर्मा। वेलकम है आपका कुंडली टीवी के शो पंडित जी कहन में। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं हमारे वास्तु, एस्ट्रो और हिंदू मैथोलॉजी एंड स्पिरिचुअल गुरु कमल नंदलाल जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नेहा जी, और दर्शकों आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है, चलिए आज पंडित जी से जानते हैं कि क्या है इसको मनाने का जो उद्देश्य है, क्या है। नेहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और पहले तो सभी दर्शकों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघी, साथ में साथ में लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बधाई हो, आपकी सफलता और उन्नति की पतंग जो है उड़ती रहे। पतंगों का पर्व भी है जी मकर संक्रांति। अब थोड़ा सा धार्मिक और एस्ट्रोलॉजिकल रूप से बताना चाहूंगा मकर संक्रांति बड़ा पर्व कैसे जी। देखिए, पुत्र की राशि में पिता का आना, पहले तो धन मास, धनुर्मास, मल मास का खत्म होना जी, शादियों का, खुशियों का पीरियड शुरू हो जाना, और सर्दी का अपनी प्रचुरतम जी, अपनी हाईएस्ट पीक को छोड़ करके थोड़ा कम हो जाना जी, मकर संक्रांति का ये इंडिकेशन है। लेकिन पंडित जी, इसको उत्तरायण के नाम से क्यों जाना जाता है? वो भी उस पर भी आ रहा हूं जी। देखिए, पहले ये जानना होगा कि उत्तरायण से दक्षिणायन तक का जो पीरियड है जी, यानी कि मकर संक्रांति से लेके और मिथुन संक्रांति तक का जो पीरियड है, वो ये जो 6 महीने हैं, ये देवताओं के दिन कहलाते हैं जी। और मिथुन संक्रांति से लेकर के मकर संक्रांति तक का जो पीरियड है, अगेन कर्क संक्रांति से लेके अगेन मकर संक्रांति तक का जो पीरियड है, वो दक्षिणायन कहलाता है जी। यानी कि ये देवताओं की रात्रि है, और हमारे हिंदुज्म में जितने भी सेलिब्रेशंस होते हैं वो दिन के समय होते हैं, इसलिए सुख का पीरियड है, देवताओं के दिन का पीरियड है, ये उजाले का पीरियड है, ये अंधेरे का पीरियड नहीं जी। दूसरी बात ये कि इस पर्टिकुलर संक्रांति से, संक्रांति का हमें अर्थ समझना होगा किसी भी चीज का संक्रमण जी, यानी कि उस भाव में आ जाना संक्रांति कहलाता है। आम भाषा में अगर हम कहें कि इस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे, अपने पुत्र की राशि शनि की राशि में प्रवेश करेंगे, और इसी दिन, क्योंकि शनि की निशानी जो है तिल, और तिल क्या है, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो तिल भगवान विष्णु का मैल कहलाता है जी। तो ये जो तिल है, हमारे बॉडी पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे तिल होते हैं, कहते हैं ना नाक पे तिल है तो बहुत शुभ होता है जी, हाथ पे तिल है तो थोड़ा सा अशुभ होता है। तो तिल जो है भगवान विष्णु का प्रतीक है, और उन तिलों का दान किया जाता है, सूर्य पर भी वही तिल चढ़ाए जाते हैं जी। साथ बसात के अंदर तिलों का ही प्रसाद बांटा जाता है, तिल ही खाए जाते हैं और तिल ही बांटे जाते हैं, और उस दिन तिल के जो तेल होता है जी, उसका जो दान है उसका बहुत बड़ा महत्व है जी। दीपदान भी किया जाता है, दीपदान भी किया जाता है, लेकिन उस दिन क्या सबसे बड़ा महत्व जो है वो तिलों का है, दूसरा खिचड़ी का महत्व है जी, उड़द की खिचड़ी का महत्व है। लोग अलग अलग तरह की खिचड़ी बनाते हैं यहाँ पे इस दिन। शनि से संबंधित जो चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, चाहे रेवड़ियां हो जी, चाहे तिल के लड्डू हो जिसे हम भोरिंडे कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की तिल पट्टियां जितनी भी होती हैं, ये सभी का सभी शनि का प्रोडक्ट है। और साथ के अंदर इसमें मीठा जोड़ देना, गुड़ को जोड़ देना, यानी कि सूर्य और शनि का मिलन हो रहा है जी। तो बहुत शुभ पीरियड है, इस दिन से विवाह शुरू हो जाएंगे, सर्दियां कम होना शुरू हो जाएंगी, और ये पीरियड खुशियों का पीरियड कहलाता है जी। पंडित जी, है तो मकर संक्रांति, लेकिन इस दिन दान का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, दान का इंपॉर्टेंस हर उस समय पे रहता है जिस समय पे हमारी न्यू बिगनिंग होती है जी। पंजाब आदि क्षेत्र के अंदर यही पीरियड नए साल के रूप में भी मनाया जाता है जी, और कई जगहों पर इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। अमूमन सनातन संस्कृति जो है वो जब सूर्य मीन राशि में आता है जी, तब चैत्र मास के अंदर अपना नया वर्ष मनाती है, लेकिन कई ऐसे समुदाय हैं जैसे गुजराती समुदाय है वो दीपावली के अंदर अपना नव वर्ष मनाता है, पंजाबी समुदाय है वो लोहड़ी मकर संक्रांति के अंदर अपना नव वर्ष मनाता है, तो हर एक का एक नया वर्ष है, तो ये नया साल भी है, आपकी नई शुरुआत भी है, और नया सूर्य जो है आपको जो सूर्य ऊर्जा देता है, सर्दी के अंदर हम कितना ठुठुरते हैं, नहा भी नहीं पाते ढंग से कई लोग, और उत्तरी भारत में चला जाए तो वहां पे तो धूप ही नहीं निकलती, लेकिन इस दिन से धूप खिलना शुरू हो जाती है जी, मौसम अच्छा हो जाता है, धीरे धीरे गर्मी कम, सर्दी कम होने लगती है,
और सूर्य उत्तर की तरफ अग्रसर होता है जी। अभी दक्षिण क्या है? दक्षिण मतलब राक्षसों का क्षेत्र, उत्तर मतलब देवताओं का क्षेत्र जी। तो आप भी देखिए कि आजकल के दिनों में जब दक्षिणायन सूर्य है तो सूर्य पूर्व से नहीं उगेगा, सूर्य हमेशा दक्षिण पूर्व से उगेगा जी। और जब हाईएस्ट गर्मी होती है तो सूर्य जो वो हल्का सा क्लिक हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर की तरफ थोड़ा सा झुकाव हमारी पृथ्वी ले लेती है। सूर्य तो स्टेबल है जी, लेकिन समझने की कोशिश ये करनी होगी कि जो हमारी पृथ्वी जो टिल्ट हो जाती है टुवर्ड्स साउदर्न साइड टिल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दियां आ जाती हैं जी। क्योंकि पृथ्वी दो तरीके से रोटेशन लेती है, आपको समझना होगा। एक तो अपनी एक्सिस पर रोटेशन लेगी और एक जो रोटेशन लेगी वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए रोटेशन लेगी। तो यूं भी घूमती है और यूं भी घूमती है सारों के चारों तरफ। तो डिस्टेंस जितना होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सर्दी के दिनों में बढ़ जाता है और गर्मी के दिनों में कम हो जाता है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है जी। जब सूर्य बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ जाता है कि अब वो दूरी बनाना शुरू कर देगा, तो उस समय पे हमारा दक्षिणायन शुरू हो जाता है, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाता है जी। तो ये जो 6 महीने हैं कर्क राशि में सूर्य से लेकर के जब तक सूर्य मकर राशि में नहीं आ जाता, तब तक का ये जो पीरियड है ये पीरियड दक्षिणायन कहलाता है। और जब सूर्य मकर में आ जाता है जी, और कन्या तक का जो पीरियड है वो उत्तरायण कहलाता है। तो दक्षिणायन और उत्तरायण में ये फर्क है। और ये दिन सूर्य के नारायण होने का भी स्वरूप है, क्योंकि सूर्य बहुत सारी रेशमियों से हमें ऊर्जा देता है, अदरवाइज हम ठंड के कारण मर जाए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, संसार में ऐसे भी अजूबे हैं जी। कई ऐसी जगह भी हैं विदेशों में, यूरोप साइड में, जहां सूर्य उदय सुबह 8 बजे से हो लेके रात की 11 बजे तक सूर्य होता है जी। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इतनी ठंड होती है कि वहां पर लोग सस्टेन नहीं कर पाते। हमारे भारतवर्ष के अंदर जो उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति है उसी के आधार पर हमारे पर्व भी मनाए जाते हैं जी। और यही एक मूलभूत कारण है कि अब इसके आने वाले आगे के जो महीने हैं पौष के बाद के, ये माघ कहलाते हैं जी। और माघ ही इसी वजह से इसका एक नाम है। दक्षिण भारत में पोंगल भी इसी वजह से मनाया जाता है। लेकिन सबसे खास बात, इस दिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है तिल के दान की जी, और तिलों की। इसी दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है, सूर्योदय से पहले उठा जाता है जी, शरीर पे तिल का तेल मला जाता है, और फिर सिर्फ पानी से, इस दिन साबुन का लोग प्रयोग नहीं करते, कई लोग जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ज्यादा चलते हैं वो जी। और साथ ब साथ के अंदर इस दिन तिल को ही चावल में मिला के खाया जाता है। इस दिन तिल और उड़द जो दोनों शनि की चीजें हैं उनका अमूमन हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, साथ ब साथ में गुड़ का। इस दिन जितना भी खाना, हम चाय भी अगर जो पीते हैं, स्पेशली जो वर्ग बहुत ज्यादा धार्मिक है, अन्यथा तो कोई भी रोज शक्कर की या किसी भी चीज की चाय पीते हैं, इस दिन स्पेशली हम गुड़ की चाय पीते हैं जी। तो पंडित जी, अभी आपने जैसे बताया कि ये पिता और पुत्र की राशि के बीच में होता है, चेंजेस होते हैं, पिता जो है वो पुत्र के घर आता है जी, जी। तो क्या ये हमारे कुंडली पर भी ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर? बिल्कुल, हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपको समझना होगा दान का, आपने सबसे पहले बताया महत्व क्यों, तो मैं आपको समझा देता हूँ। हर संक्रांति जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करता है उसको संक्रांति बोलती है। तो साल में 12 संक्रांति होती है जी, बाकी सारी संक्रांतियों पर हम बहुत कुछ नहीं करते जी, ठीक है। हम मकर संक्रांति को बड़ा क्यों मानते हैं, क्योंकि इस समय से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, उत्तर की तरफ आना शुरू होता है और गर्मी के दिन शुरू हो जाएंगे इससे। अब आगे गर्मियां बढ़ेंगी, ठंड जितनी हो चुकी है वो हो चुकी, अब दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे जी, रातें छोटी हो जाएंगी, रातें छोटी हो जाएंगी, दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब तक क्या हो रहा था, अब दिन छोटे हो रहे थे रातें बड़ी हो रही थी जी। तो ये एक ऑप्टिमम लेवल होता है कि इसके बाद सूर्य अब हाईएस्ट स्पीड पे आ चुका है अपने, अब इससे ज्यादा झुकाव नहीं लेगा जी नॉर्दर्न एक्सिस पे। तो जो एक्सिस होती है उसकी, उस पर झुकाव का बहुत कुछ तय करता है। तो पंडित जी, वैसे तो मकर संक्रांति 14 की आती है, लेकिन इस बार सुनने में आया कि 15 की आएगी जी। बिल्कुल, ये बात सही है। बिल्कुल, कई सालों में ऐसा होता है कि मकर संक्रांति वैसे तो अमूमन 14 जनवरी की आती है, लेकिन जी कुछ वर्षों में 5 से 7 से 10 वर्षों के अंदर ऐसा जरूर होता है कि मकर संक्रांति 15 तारीख की आ जाती है। उसके पीछे एक कारण है, लॉजिक है। देखिए, संक्रांति मूवमेंट, जैसे हम कहते हैं संक्रांति पल, मतलब सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश अगर सूर्य अस्त के बाद होता है जी, तो संक्रांति जो पुण्यकाल है वो अगले दिन मनाया जाता है सूर्योदय पे। तो इस बार भी ऐसा ही हो रहा है।
जो संक्रांति पुण्य काल है वो सुबह 7:19 पे दिल्ली के रेखांश और अक्षांश के अनुसार स्टार्ट होगा मनाना। और इस साल की जो मकर संक्रांति है वो एग्जैक्टली 15 तारीख की, और खिचड़ी का जो पर्व है वो भी 15 तारीख का है जी। तो पंडित जी, इस दिन क्या दान करना चाहिए और कौन से समय पर करना चाहिए? जी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझाऊं कि मकर संक्रांति को सेलिब्रेट कैसे करना है जी। बहुत खुशी का पर्व है, कई लोगों का नया साल है, जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस दिन सूर्य और शनि के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो इस दिन तांबे के लोटे से सूर्य को अभ्यंग स्नान करने के बाद में सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं जी, और अपने शरीर पे तिल का तेल मलें, स्नान करें, हो सके तो इस दिन साबुन का प्रयोग ना करें जी, अगर फिर भी करना हो तो एटलीस्ट तिल का तेल जरूर अपने शरीर पे लगा करके स्नान करें, और अपने शरीर पर चंदन आदि का लेप भी जरूर लगाएं जिसे औषधि लेप कहते हैं, उसके बाद में स्नान करें, गर्म पानी से ही स्नान करें। इसके बाद में सूर्य को तांबे के लोटे में तिल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें और जल डाल करके सूर्य को अर्घ दें जी, और सूर्य को नारायण माना जाता है तो नारायण का विधिवत पूजन करें, धूप दीप पुष्प गंध नवैद जो भगवान नारायण की जिस पे चित्र पर चढ़ते हैं, उसके बाद में तिलों से भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है यहाँ आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं जी, उनका आप दान करें, मतलब जाप करें, और उसके बाद में लड्डू जो तिल के होते हैं वो, तिल पट्टियां वगैरह, ये भगवान को अर्पित करें जी, शनिदेव का भी पूजन करें, ओम शम शनैश्चराय नमः जी, और शनिदेव को काले तिल जरूर चढ़ाएं और इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसके बाद में जो महिलाएं हैं, जो आपके घर की बच्चियां हैं जी, या आपके घर की जो ब्याहता स्त्रियां हैं जो दूसरों के घर जा चुकी हैं, आपकी बिटिया है, आपकी बहन है जी, उन सबको इस दिन दान जरूर दिया जाता है, और साथ में कंबल का दान इस दिन बहुत विशेष होता है जी। तो इस दिन कंबल का दान, स्टील के बर्तनों का दान या लोहे के बर्तन का दान इस दिन बहुत पुण्य कारक माना जाता है जी। तिल के तेल का दान, तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, स्पेशली कंबल का दान, और आजकल कंबल को यूज नहीं करना चाहे तो ऊनी वस्त्रों का दान बहुत जरूरी है, शॉल भेंट कर सकते हैं आप, ये सारी चीजें। और इसका जो मैं आपको टाइम जरूर बताना चाहूंगा पंचांग के हिसाब से, तो इस बार जो 15 तारीख की, मैं सभी दर्शकों को बता दूं, 15 तारीख की ही मकर संक्रांति है, 14 तारीख की नहीं है। तो इसका जो पुण्यकाल मुहूर्त शुरू होगा सुबह 7:19 के से शुरू होगा दिल्ली के रेखांश और अक्षांश पर जी। आप अगर अलग अलग शहरों से हैं तो अपने अपने शहरों के सूर्योदय काल देख लें, तो सूर्योदय से ही इसका दान होना शुरू हो जाएगा, और ये मुहूर्त रहेगा 12:30 तक। इसकी जो अवधि है 5:11 की है, और संक्रांति मूवमेंट जो हो रहा है वो 14 तारीख की रात को 8:50 पे हो रहा है, 5 मिनट पे, जो मैंने जैसा आपको बताया सूर्योदय के बाद में अगर संक्रांति होती है तो उसका पुण्यकाल या मकर संक्रांति अगले दिन मनाई जाती है, तो उसी लिहाज से सुबह 7:19 पर 15 तारीख के दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, और पुण्यकाल का पीरियड है सुबह 7:19 से लेकर दोपहर 12:30 तक। महापुण्यकाल जो रहेगा, जिस समय पे स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, वो है सुबह 7:19 से सुबह 9:02 तक जी, 1:43 का ये महापुण्यकाल है, इस समय का पूरा लाभ उठाएं जी, स्नान करें, दान करें, जप करें, हवन करें। इस दिन हवन भी जो किया जाता है वो भी तिलों से किया जाता है जी, और इस दिन भोजन में भी आप मीठे चावल या खिचड़ी बनाएं, तिल और उड़द के चावल बनाएं, और इस दिन उड़द के गुलगुलों का बहुत विशेष महत्व है जी, तो उड़द के जो गुलगुले हैं वो आप बनाएं और भैंसों में तकसीम करें, इससे आयु बढ़ेगी जी, इसको मजदूरों को खिलाएं, लोहार जो लोहा बनाने का काम करते हैं उनको खिलाएं, गरीब मजदूरों को दान करें, उन उस वर्ग को दान करें जो ठंड से कांप रहा है, कंबल उन्हें बांटें, स्टील के बर्तन उन्हें बांटें जिनको इसकी जरूरत हो जी। तो इससे शनि का प्रकोप तो कम होगा ही होगा, सौभाग्य भी जागृत होगा, सूर्य भी अच्छे प्रभाव देगा, साथ ब साथ के अंदर आपका भाग्य जागृत होगा जी। तो पंडित जी, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप हमें क्या टिप देना चाहेंगे? देखिए, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मैं आपको जरूर एक टिप दूंगा कि एक कोई भी ऊनी वस्त्र जी, साथ पर साथ में स्टील का जो टिफिन होता है उसके अंदर तिल भरकर, तिल के लड्डू भरकर, खिचड़ी पका करके, उड़द और चावल और तिल से बनी हुई खिचड़ी और उसमें गुड़ डाला हुआ उस खिचड़ी में, ये आप
किसी भी गरीब व्यक्ति को दें जो मेहनत कश मजदूर हो जी। साथ ब साथ के अंदर जो आपके घर की माताएं बहने हैं उनको भी दान दक्षिणा जरूर दें, उज्जवल होगा। और सूर्य पूजन में तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं जी। ठीक है जी, कितनी देर का हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस अहम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे, पंडित जी से सवाल जवाब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज कुंडली TV लाइक और शेयर करना ना भूलें।